मोहम्मद अली अशरफ फातमी जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन की हार हुई है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रक्रिया क्या रहेगी, मतलब ये पहली मरतबा इतनी बड़ी हार है। मैं 89 से तकरीबन 30 साल हो गया, और 30 साल में 4 मरतबा मुझे खुद लोकसभा आने का मौका मिला। तो ये पहली घटना है बिहार के अंदर कि जनता दल या आरजेडी या किसी भी शक्ल में एक भी सीट नहीं मिल पाई है, और ये बहुत दुखदाई है, बहुत अफसोसनाक है कि इतना ख़राब परफॉर्मेंस बिहार के अंदर हुआ है। और मैं तो उस पार्टी में हूँ नहीं अभी कि मैं अपनी राय उसको कुछ अच्छी राय दे दूं, लेकिन अगर आप पूरे 6 महीने के काम को देखिए पार्टी के, लालू जी के जेल रहने की वजह कर कुछ जो घटनाएं हुई पार्टी के अंदर, वो ठीक नहीं हुई। और मेरा अपना ख्याल है कि तेजस्वी हैंडल नहीं कर पाया। आपके हिसाब से तेजस्वी में क्या कमी है और क्या सुधारना चाहिए, क्या करना चाहिए तेजस्वी को? देखिए, अभी आपने आंध्र प्रदेश का रिजल्ट देखा, वो 3000 किलोमीटर पैदल चल गया। आप पिछली दफा देखा होगा अखिलेश यादव को, वो साइकिल से पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर लिया उसने। आप जब तक ग्राउंड में चीजों को नहीं समझिएगा, तब तक आप राजनीति में कामयाब नहीं हो सकते हैं। इनको इंतज़ार करना चाहिए, काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ये सोच करके कि मैं कल मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ या कल मैं कोई बहुत बड़ी जीत हासिल करने जा रहा हूँ, मैं समझता हूँ उसमें थोड़ी उनको गलतफहमी होगी उनको। तो आप सुन रहे हैं फातमी जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि तेजस्वी को थोड़ा इंतजार करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उनको अपने वरिष्ठों से सीखना चाहिए, अनुभव लेना चाहिए, ताकि वो राजनीति सही तरीके से कर सके। इनका साफ तौर पर कहना है कि तेजस्वी की कार्यशैली की वजह से ही बिहार में महागठबंधन की इस तरीके की हार हुई है। कैमरा पर्सन ऋषि के साथ ममता चतुर्वेदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।